जेपी दलाल जुड़ रहे हैं, आप वित्त मंत्री है हरियाणा के, इससे पहले कृषि मंत्री भी रहे। दलाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। अगर जी जी सर, जानना ही चाहूंगा, तारीखों जी। का ऐलान हो चुका है, इन तारीखों के ऐलान पर क्या आप कहेंगे, क्योंकि अब एक क्लियर डेट दिख रही है जब हरियाणा में चुनाव है 1 अक्टूबर। मैं इसका स्वागत करता हूं और बड़ी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के लिए हम तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमने जो जन के काम किए हैं हमें उन कामों पर भरोसा है कि जनता हमें फिर से आशीर्वाद देगी। सर ये भी थोड़ा सा समझाइए, क्या क्या 1 से 2 हफ्ते जल्दी ऐलान हो गया? क्या बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी कि चुनावों की तारीखों का ऐलान 16 अगस्त के आसपास ही हो जाएगा? थोड़ा सा जल्दी हो गया? नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो जो जब उचित समझता है तो ऐलान करते हैं, और स्वायत्त संस्था है और हम तैयार हैं चुनाव के लिए। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी सरकार की तरफ से भी चीज का स्वागत करता हूँ। सर क्योंकि अब वक्त कम बचा है, आचार संहिता भी लागू हो जाती है, ऐसे में बहुत सी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक उसका दायरा बन जाता है, तो अब कैसे, क्योंकि पिछली मरतबा 40 सीटें थी, क्लियर मैंडेट तो नहीं था लेकिन सत्ता पर आप काबिज हो गए थे, इस बार उसे बढ़ाना भी है अगर सत्ता पर बैठना है, और एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर रहता है जब आप 10 साल से सत्ता में होते हैं, कैसे हैंडल करेंगे इन दोनों पहलुओं को? नहीं, ये अभी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार की कोई एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है। हमने जिस तरह से बड़े भेदभाव के काम किए हैं, नौकरियां दी हैं गरीब आदमी को, विकास के काम किए हैं, इलाकावाद से प्रूफ के काम किए हैं, जाति पाति से प्रूफ के काम किए हैं, तो इससे लगता है कि हमारी सरकार की प्रो इनकम्बेंसी है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बिल्कुल, और कांग्रेस के नेताओं से भी हमारी बात होती है तो लगातार वो कहते हैं कि अब की बार बीजेपी जो है वो सत्ता में वापस नहीं आने वाली है, और उसे लेकर वो लॉजिक देते हैं कि लोकसभा चुनावों के नतीजे आप देख लें कि पहले हम 0 पर थे, अब हम 5 पर आ चुके हैं, तो नुकसान तो लोकसभा चुनाव से बीजेपी को हुआ, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस को नेता अगर खुश होते हैं तो खुश होते रहे। कांग्रेस के नेता तो चुनाव जब था 2014 में तब भी खुश थे, 2019 में तब भी खुश थे, और लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था, इस बार भी खुशी खुशी उनको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल दलाल साहब, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि अनुभवी नेता आप हैं और लगातार जो युवा है उन्हें भी बीजेपी प्रोत्साहित करती है, अब सवाल ये उठता है कि टिकट का बंटवारा भी करना है, टिकटों का बंटवारा कब तक होगा उसका इंतजार भी रहेगा, और टिकटों की दौड़ में कौन कौन से लोग हैं वो भी रहेगा। एक सबसे अहम सवाल ये रहता है कि जब चुनाव आते हैं खास करके विधानसभा के, तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो नतीजे बताते हैं कि 2019 में भी आधी से ज्यादा कैबिनेट हार गई थी, कैबिनेट मंत्रियों के लिए भी चैलेंज होता है कि अपने आप को भी सिद्ध करते हुए चुनावों में जीत दर्ज करनी है, उस लिहाज से आपकी तैयारी किस तरीके से रहने वाली है? मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे, मैंने जो अपने क्षेत्र के अंदर काम किया है, नहरों को पानी दिया है, किसान की देखभाल की है, मंडियां चलाई है, बीमा मुआवजा दिया है, विकास के बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हैं, मुझे तो पूरा भरोसा है कि मेरे लोहारू की जनता मुझे फिर आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप पहले कृषि मंत्री थे अब आप वित्त मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री होने के नाते जब आप पहले थे आपका वो अनुभव कैसा था वो जरूर बताइए, क्योंकि किसानों को लेकर बहुत बातें होती है कि नाराजगी थी, और अब एमएसपी को लेकर एक बड़ा ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया, क्या उससे फायदा होता हुआ दिखेगा, जो किसान नाराज थे उनकी नाराजगी दूर इस फैसले से होती हुई नजर आएगी? देखिए जी, हरियाणा के कृषि मंत्री होने का मुझे पूरा फख्र है, क्योंकि किसान परिवार से मैं आता हूँ, किसानों की सेवा का मुझे मौका मिला, और जितना काम हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए किया इतना किसी ने नहीं किया। अभी भी है, हमने जो है सारी की सारी फसलें खरीदने का फैसला किया, किसान की बिजाई में ज्यादा खर्चा हुआ था तो 2000 रुपए प्रति एकड़ की पैसा आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने डाला है,
मंडी हमने चलाई है, बवंडर भराई का भरपाई पैसा दिया है, मालिया को माफ किया है, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, खाद के रेट हमने नहीं बढ़ाए, फसलों के भाव बढ़ाए हैं, तो किसान हमारे से संतुष्ट है, खुश है। ये अलग बात है कि कुछ अलग प्रदेशों के किसान आकर के हमारे क्षेत्र में बैठ गए थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम किया। चलिए, बेहद शुक्रिया दलाल साहब सूर्या समाचार के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री हरियाणा जेपी दलाल को, जिनकी तरफ से कहा गया कि इन तारीखों का स्वागत करते हैं और पूरे तरीके से बीजेपी तैयार है।